हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि जो स्टेम होता है प्लांट में, उसका यूज़ क्या होता है प्लांट के लिए। तो वैसे तो जब हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हमें उसका मेन पार्ट स्टेम ही दिखाई देता है और हमें लगता है कि स्टेम ही मेन प्लांट है। लेकिन आपने स्टेम का फंक्शन, आपने स्टेम का यूज़ पूछा है, तो हम अगर स्टेम का फंक्शन देख लेते हैं तो हमें स्टेम का यूज़ समझ में आ जाएगा। तो प्लांट जो होता है, हम जानते हैं कि रूट से वाटर और मिनरल लेता है वो, और कहाँ तक पहुँचाना होता है उसको, लीफ तक पहुँचाना होता है, क्योंकि वहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होना होता है। तो वो जो वाटर और मिनरल है वो स्टेम के थ्रू ही पहुँचता है लीफ तक के या डिफरेंट पार्ट तक के। तो जो जाइलम है या फ्लोएम है, जो ये वेस्कुलर बंडल है, वो स्टेम के थ्रू ही होकर के जाता है और फिर वो लीफ तक के वाटर और मिनरल पहुँचता है, जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फिर वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है वो भी स्टेम के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। अब जो फ्लोएम है उससे फूड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाएगा, तो स्टेम में भी पहुंचेगा, स्टेम के एक एक सेल में पहुंचेगा, रूट तक के पहुंचेगा, ऊपर लीफ जो है वहाँ तक, और उसके बाद फ्लावर, फ्रूट, हर जगह पर जहाँ पर भी फूड मटेरियल पहुँचाना है वो स्टेम के थ्रू ही पहुँचता है। तो इस तरह से स्टेम का यूज़ होता है। हालांकि जो प्लांट के सारे पार्ट हैं, चाहे वो आप लीफ की बात करें, चाहे आप रूट की बात करें, ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्टेम भी अपना रोल प्ले करता है और स्टेम भी प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर रूट की बात करें तो रूट के बगैर तो प्लांट की लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। लीफ की बात करें तो लीफ में ही फूड का फॉर्मेशन होता है, उसके बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अगर हम बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, क्योंकि उसी में सीड होता है, सीड से रिप्रोडक्शन होता है। और अगर फ्रूट इंपॉर्टेंट होता है तो फ्लावर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लावर ही आगे चल के फ्रूट बनता है। तो उसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्टेम भी अपना रोल प्ले करता है। स्टेम से ही जाइलम और फ्लोएम होकर के गुजरती हैं, जो कि फूड मटेरियल, एक जो फ्लोएम होता है उससे फूड मटेरियल प्लांट के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, जो जाइलम होता है उससे वाटर और मिनरल लीफ तक के पहुँचाया जाता है। तो ये भी प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो आपने क्वेश्चन किया है कि प्लांट में जो स्टेम होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।